कुल्लू जिला देवसदन में हिमाचल प्रदेश प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रदेश के 5 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पाद पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुल्लू में हिमाचल प्रदेश प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला में प्रदेश के 5 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उत्पाद पर विस्तार से चर्चा हुई और GI मार्क वाली कुल्लू शॉल पर बुनकरों को कैसे लाभ मिलेगा और ग्राहकों को जागरूक करने के लिए बुनकरों के सुझाव मांगे गए। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि NDA की सरकार के समय में पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सन 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट पास किया गया और 2002 में एक्ट के नियमों का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं पर्यावरण परिषद द्वारा इस कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। भारत सरकार ने जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे सन 1999 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पर एक्ट पास किया था और उसके पश्चात NDA की सरकार के समय ही 2002 में उसके नियम बन गए और उसके बाद अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके कारण से यह है कि जो हमारा कुल्लू का शाल है ये भी एक तरह का पेटेंट हुआ है, लेकिन पेटेंट अगर है तो वो कम्युनिटी बेस्ड पेटेंट है और अभी हिमाचल प्रदेश में 5 चीज़ें यानी कि हमारे GI के अंतर्गत आई है और जिन पर GI लोगो लगता है, किन्नौरी शॉल है, चंबा रुमाल है, कुल्लू की शॉल है और इसके अतिरिक्त यह है कि अभी धीरे धीरे प्रयास ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ का देसी मांस है, राजमा है, इस तरह की और चीज़ों को भी महत्व देने का और जिसे GI लोगो आए। और मैं इसी कार्यक्रम के यानी के माध्यम से एक बात देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भारत सरकार में एक बात निश्चित की है कि भारत सरकार में जब भी किसी को गिफ्ट देना कोई भी कार्यक्रम है तो वहाँ पर वो वही उपहार देंगे जिसमें GI लोगो लगा होगा। तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम के नाते कुल्लू का जो हमारा शाल है, कुल्लू की टोपी है, कुल्लू का मफलर है, वो जीवंत रहेगा, वो जीता रहेगा। इस मौके पर सदस्य सचिव कुणाल सत्यार्थी ने कहा कि प्रदेश की हर घाटी, चंबा, पांगी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर व सिरमौर और अन्य जगह पर अलग किस्म का खनिज उत्पाद व हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट उत्पाद है। उन्होंने कहा कि कुल्लू घाटी में अभी तक 130 बुनकरों ने GI रजिस्ट्रेशन करवाई है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कुल्लू शॉल के नाम पर लुधियाना व पंजाब की पावर लूम से तैयार उत्पाद को बेच रहे हैं वो गैर कानूनी है, जिसे उस व्यापारी को सजा व जुर्माना हो सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सके। जो हमारा देश है इसमें GI एक्ट है 1999 में जो पास हुआ है और इसमें हमारी मंशा यह है कि जो हिमाचल प्रदेश में हर वैली में, हर इलाके में नई तरीके की चीज़ पाई जाती है उनको रजिस्टर कराया जाए। तो अभी तक हमने 5 GI रजिस्टर करा लिया है हिमाचल प्रदेश में, जैसे कुल्लू का शॉल है जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं आज की प्रोजेक्ट की, और किन्नौर का शॉल है, कांगड़ा की चाय है, कांगड़ा का पेंटिंग है, चंबा की रुमाल है, ये 5 हमारे पास GI हैं। तो एक तो मंशा ये है कि हिमाचल प्रदेश में हर वैली में, चाहे मैं चंबा था पीछे, पांगी, भरमौर में, हर वैली में अलग किस्म का राजमा है, हर वैली में अलग किस्म की हैंडीक्राफ्ट के सामान है। तो एक तो हम एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे राज्य में कितने प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो GI के रूप में रजिस्टर की जा सकती है। तो मंशा ये है कि 5 से इसको बढ़ा के 50 किया जाए कम से कम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा GI रजिस्टर हो सके। एक तो ये है। दूसरा है कि GI जो शब्द है इसका मतलब यह है कि जैसे कुल्लू शॉल, हम कुल्लू में बात कर रहे हैं आज, तो कुल्लू का शॉल, ये शब्द जो है कुल्लू शॉल, ये पेटेंट हो गया है। इस शब्द का इस्तेमाल वही कर सकता है जो GI का ऑथराइज्ड यूज़र है। तो एक मंशा ये भी है कि अभी हमारे कुल्लू में 120 रजिस्ट्रेशन हो गई हैं ऑथराइज्ड यूज़र की, बट मुझे पता है इस शहर में और इस वैली में कोई 1000 लोग हैं जो कुल्लू शॉल बनाते हैं। तो एक है कि उनको अवेयर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग कुल्लू शॉल GI रजिस्टर करा सकें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।